नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से सैमसंग गैलेक्सी M20 के बारे में। तो इस डिवाइस को इंडिया में एक और नया अपडेट मिल गया है, वो भी विद इन अ वीक, जिसमें हमको वही सेम अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से ये वाले अपडेट को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कौन से चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इस अपडेट में। मतलब एक पूरा क्विक रिव्यू करेंगे इसी अपडेट का। तो सारा का सारा जो अपडेट मसाला है वो आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बगैर आपका टाइम गवाए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो ये जो सेकंड अपडेट का सीन है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जैसे आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सैमसंग गैलेक्सी M20 है उसको इंडिया में नया अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है। तो इस अपडेट की साइज़ ऑलमोस्ट 101 MB की थी, बट इस अपडेट में हमको एक एप्लीकेशन देखने को मिली थी जिसका नाम हेलो था। तो ये ऐप इंडिया में ऑलरेडी बैन है, बट स्टिल फिर भी सैमसंग ने इस ऐप को अपने अपडेट के साथ में ऐड किया था। और मैंने इस अपडेट को पहले ही इंस्टॉल कर लिया था जिसमें मुझे ये ऐप देखने को मिली थी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि उनको ये ऐप देखने को नहीं मिली। बट इस अपडेट के बाद बहुत सारे यूजर्स के डिवाइस में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे कि अपडेट के बाद जो डिवाइस है वो बहुत लैग कर रहा था और जो टच रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं था। तो शायद सैमसंग ने जो है ये चीज़ नोटिस की और हमको एक नया और अपडेट देखने को मिल गया है, वो भी विद इन अ वीक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए जल्दी से इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आने के बाद नीचे फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको एक और सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर इसकी जो साइज़ है ऑलमोस्ट 377 MB की है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में तो कुछ नया मेंशन नहीं है, लेकिन नीचे यहाँ पर एक चीज़ न्यू मेंशन की है सैमसंग ने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपका जो डिवाइस है वो इनक्रिप्टेड है तो पहले आपको उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा अपडेट करने से पहले। तो इसका मतलब अगर आपने अपने डिवाइस पे कोई बूट लॉक लगाए, मतलब जब आप अपना डिवाइस स्विच ऑफ करके ऑन करते तो वहाँ पर आपने कोई पासवर्ड सेट किया है अपने डिवाइस के अंदर जाने से पहले, तो आपको जो है उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी लॉक आपने अपने डिवाइस में नहीं लगाया तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली जैसे आप नॉर्मल वे से अपडेट्स को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही ये जो अपडेट है इंस्टॉल हो जाएगा आपके डिवाइस में। तो मतलब ऑलमोस्ट 12 to 15 minutes लगने वाले इस अपडेट को इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पर अपडेट इंस्टॉल करने के बाद हमको दो एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, स्नैपचैट और सैमसंग शॉप। तो शायद हेलो ऐप जो है वो रिमूव हो गया है और यहाँ पर हमको बदले में स्नैपचैट देखने को मिलता है। रिमूव मतलब मैंने तो पहले ही अनइंस्टॉल कर दिया था आपके सामने अपने डिवाइस में से। तो यहाँ पर स्नैपचैट जो है वो शायद ओल्डर वर्जन वाले जिसको आप जो है प्ले स्टोर से बाद में अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको रीसेंट ऐप्स वाले पेज में एक चेंज देखने को मिलेगा, मतलब बैकग्राउंड में आपको एक वाइटिश ट्रांसपेरेंट लेयर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन, उसके ऊपर यहाँ पर एक वाइटिश ट्रांसपेरेंट लेयर आ रही है रीसेंट ऐप में। तो यहाँ पर कोई भी ऐप आप ओपन करेंगे जब आप रीसेंट ऐप में आएंगे तो आपको जो है एक वाइटिश की ट्रांसपेरेंट लेयर देखने को मिलेगी, शायद आप नोटिस कर पा रहे होंगे। तो यही मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इस अपडेट के बाद में। इसके अलावा मुझे और कोई चेंज तो देखने को नहीं मिला, मतलब जो UI है वो बिल्कुल सेम है और आपको वही सेम 1 अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। और जो अपडेट है वो काफ़ी स्टेबल है, मतलब कोई भी बग्स आपको देखने को नहीं मिलते इस अपडेट के अंदर। जो डिवाइस है वो एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है और कोई भी लैग मैंने यहाँ पर फेस नहीं किया। इसके बाद जो टच रिस्पॉन्स है वो भी एकदम परफेक्ट है, मतलब कोई भी डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा टच रिस्पॉन्स में। इसके बाद अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो चार्जिंग है उसको और भी ज़्यादा स्टेबल किया है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। और जो फ्रंट कैमरा है उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो फ्रंट कैमरा के डिटेल्स है उसको एनहेंस किया गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। मतलब सैमसंग जो है बहुत रेयरली अपने कैमरा को अपडेट करती है मिड रेंज कैटेगरी में, तो यहाँ पर अगेन एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। आप मुझे कैमरा टेस्ट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके फ़ोन के कैमरा के डिटेल्स इम्प्रूव हुए हैं या नहीं, वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट की, तो यहाँ पर जो स्पीकर का साउंड है उसको भी इनहेंस किया गया है, मतलब इस अपडेट के बाद में आपको जो स्पीकर का साउंड है वो थोड़ा और लाउड देखने को मिलेगा। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इस अपडेट के अंदर। तो बस अब आपकी बारी है, आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइए आपको ये अपडेट कैसा लगा, मतलब क्या कहना है आपका इस अपडेट के बारे में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते हम यूट्यूबर्स के 3 बेसिक नीड्स को ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो भी आपका मन करे। मैं आपको मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।